हे गाइस, वेलकम एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टाइलिश ब्यूटीफुली। सो गाइस, लास्ट नाइट मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी पर कृष्णा, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या को एक साथ देखा गया। अभिषेक से शादी के बाद पहली बार कृष्णा और ऐश्वर्या को एक साथ देखा गया। कृष्णा कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन को एक साथ देखा गया, वो भी एक ही रूफ के नीचे पार्टी करते हुए। और सभी बहुत ज्यादा स्टनिंग लग रहे थे। ऐश्वर्या ने भी पिंक कलर की एथनिक आउटफिट पहनी हुई थी और कृष्णा ने रेड कलर की साड़ी, और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि अभिषेक बच्चन और कृष्णा कपूर का रिलेशन रह चुका है और कृष्णा कपूर एक्स फियोंसे थी अभिषेक बच्चन की, लेकिन इनकी डेस्टिनी में कुछ और लिखा था और अभिषेक बच्चन की शादी हुई ऐश्वर्या राय बच्चन से और कृष्णा कपूर की शादी हुई संजय कपूर से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शादी ज्यादा चल नहीं पाई और उन दोनों का डिवोर्स हो गया। लेकिन इतने सालों से बॉलीवुड में पार्टीज चल रही हैं, सेलिब्रेशंस चल रही हैं, लेकिन उसके बाद कभी भी अभिषेक और कृष्णा को एक साथ नहीं देखा गया। लेकिन कल रात दोनों ने एक ही छत के नीचे पार्टी की। कृष्णा कपूर के कजन्स भी आए थे, लेकिन करीना और सैफ को बहुत ज्यादा मिस किया गया। करीना और मनीष मल्होत्रा काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन करीना कपूर खान क्यों नहीं आई इसका रीजन अभी नहीं पता। लेकिन जो जो और सेलिब्रिटीज आए उनकी भी हम आपको जरूर अपडेट दे रहे हैं। सो गाइज, मनीष मल्होत्रा की पार्टीज में जो आए, महीप कपूर आए, सीमा खान आए, उसके बाद अनन्या पांडे, आदित्य रॉय कपूर आए, ब्यूटीफुल आउटफिट्स पहनी हुई थी सभी ने, और जानवी कपूर, खुशी कपूर, सुहाना खान, नव्या नंदा, शनाया कपूर, अथिया शेट्टी और रकुलप्रीत सिंह से लेके डियाना पेंटी, सारा अली खान, सबकी वीडियोज हम आपको आगे दिखाएंगे। गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।